हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल। आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट में स्वागत है। मैं हूं मोहित सिंह रावत। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2021-22 की है, और क्यों इस रिपोर्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं ये भी आपको बताना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और यहां पर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, आपको बता देते हैं कि देखिए हम आपको 20 पेपर जो सोल्व है यूकेएसएससी यूकेपीएससी वाले वो आपको करवा रहे हैं, और इसमें से हम आपको 9 पेपर ऑलरेडी सोल्व करवा चुके हैं डिटेल व्याख्या के साथ, जिसमें से 4 पेपर दोस्तों हम आपको यूकेपीएससी के सोल्व करवा चुके हैं, और इन 4 पेपर में से 2 पेपर में यूकेपीएससी ने आपको जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है वहां से प्रश्न पूछे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसलिए हम आपको करवा रहे हैं कि यूकेपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक है, बार बार यहां से प्रश्न बनते हैं, और संभावना इस बार भी है कि आने वाले एग्जाम में जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है आपका, पुलिस का एग्जाम है, या फिर पटवारी लेखपाल बंदी रक्षा का एग्जाम है, वहां पर भी एक प्रश्न बने। तो देखिए दोस्तों, इंपोर्टेंस आप समझ चुके होंगे। अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं, मत देखिए वीडियो को, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आपको यह देखना चाहिए, एक नंबर आने की संभावना यहां से है। तो डिस्कस करते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। देखिए फॉरेस्ट रिपोर्ट को पढ़ेंगे, लेकिन कुछ फैक्ट जहां से भी प्रश्न बनते हैं। देखिए भारत में सबसे पहले जो वन नीति आई थी वो 1894 में आई थी। कब आई थी? 1894 में। और यहीं पर ऐसा पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी, तो ये 1952 में आई थी। तो एक फैक्ट ये हो गया है। इसके अलावा यहां पर बात करते हैं राष्ट्रीय वन नीति 1988, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां से प्रश्न बन चुके हैं। प्रश्न कैसा बना है? यूकेएसएससी के एग्जाम में बना है। प्रश्न ऐसा बना था कि जो 1988 की राष्ट्रीय वन नीति है, इसके अनुसार पर्वतीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग में वन होना आवश्यक है, और स्टूडेंट क्या लगा देते हैं? 33% लगा देते हैं। देखिए 33% पूरे भारत में है कि पूरे भारत का 33% वन होना आवश्यक है, लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर 60% क्षेत्र में वन होना आवश्यक है, और जो मैदानी भाग है जैसे गोवा हो गया या फिर महाराष्ट्र हो गया, यानी जो भी शहरी जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर, मैदानी राज्य है वहां पर 25% वन होना आवश्यक है। तो इस फैक्ट को भी याद कीजिएगा। अब चलते हैं थोड़ा अगले फैक्ट में। देखिए जब हम वन नीति की बात करते हैं तो सबसे बेसिक प्रश्न यह बनता है कि यह नीति कौन जारी करता है? तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जारी करता है। और देखिए यहां पर जो 2021 में रिपोर्ट जारी की गई है, यह 17वीं रिपोर्ट है, और सबसे पहली जो रिपोर्ट जारी की जाती है यह वर्ष 1987 में की जाती है। अब यहीं पर ऐसा पूछा जाता है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? तो 1 जून 1981 को इसकी स्थापना होती है। बाकी दोस्तों जो वर्तमान मंत्री की बात करें, पर्यावरण वन मंत्री की, तो भूपेंद्र यादव जी हैं, और यह जो डिपार्टमेंट है यह पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो अब यहां पर यह है, मुख्यालय देहरादून में है, सभी को मालूम है। अब जरा यहां पर देखिए कुछ वन अधिनियम है। देखिए यहां पर वन अधिनियम है 1927 का, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का। वैसे एक जो भारतीय वन, यह भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक एक्ट यहां पे बाद में 1927 में भी आता है, इसे भी ध्यान रखेगा। इसके अलावा अगर ऐसा पूछा जाता है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आता है, और यहीं पर ऐसा पूछा जाता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम तो 1972 में, और लास्ट यहां पर देखिए कि वन अधिकार अधिनियम 2006 में। तो बस दोस्तों इन फैक्ट को याद कीजिएगा, यही प्रश्न बनते हैं। और अब चलते हैं अपनी फॉरेस्ट रिपोर्ट पर। तो यहां पर आप देख रहे होंगे डाटा, और आपको यही याद करना है। देखिए अगर आप सब कुछ याद नहीं कर सकते हैं तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है उसे याद करके चलिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर ये दो पॉइंट है। पहला पॉइंट ये वाला है जो आपके लिए गोला किया है, और दूसरा पॉइंट ये है जो आपके लिए यहां पर गोला किया है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, पहला और बेसिक प्रश्न यही बनता है कि फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल फॉरेस्ट यहां पर जो कवर है उत्तराखंड में वो कितना है। तो फॉरेस्ट कवर ऑफ उत्तराखंड का 2021 के अनुसार कितना है? 45.44%। 45.44% कितना है? 45.44%। ठीक है, याद हो गया होगा, नहीं हुआ होगा कोई बात नहीं, वीडियो के लास्ट में भी आपको याद करवाएंगे। और यहीं पर दोस्तों देखिए, अभी यूकेपीएससी ने ऐसा ही प्रश्न पूछा था कल के, जो कल पेपर हमने आपको सोल्व करवाया ना, जो फॉरेस्ट रेंजर वाला, वहां पर यह डाटा देना था, लेकिन यह डाटा इन्होंने गलत दे दिया था, जिस कारण इस प्रश्न को आयोग ने डिलीट किया था। तो आप ध्यान रखिएगा कि फॉरेस्ट कवर ऑफ उत्तराखंड कितना है 2021 की रिपोर्ट के अनुसार? 24,305.13 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इन फैक्ट को ध्यान रखिएगा, 24,305, ध्यान रखिएगा 24,305। और यहीं पर परसेंट की बात करें तो प्रतिशतता में कितना है? 45.44%।
तो एक फैक्ट दोस्तों आपने याद कर लिया है और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर यही है। बाकी दोस्तों यह बताने की शायद आवश्यकता नहीं है कि वेरी डेंस फॉरेस्ट क्या होता है। हिंदी में इसे कहते हैं अति सघन वन, बीच वाला मॉडरेट का है, मध्यम सघन वन, फिर ओपन सघन वन है। यहां पर यह है ना कि अगर कैनोपी डेंसिटी की बात करें 70% से ज्यादा होती है, यानी यहां पर देखिए कि यहां पर जो सूर्य का प्रकाश आएगा ना तो इतना सघन है कि लगभग 70% जो हिस्सा है वो कवर हो रखा है पेड़ों से। तो ऐसा हिस्सा जो 70% जो वनों से कवर हो रखा है उसे वेरी डेंस फॉरेस्ट कहते हैं। जहां पर 40 से 70 के बीच में हो मध्यम में आता है, 10 से 40 के बीच में हो तो ओपन में आता है, यानी खुले वन के रूप में आता है, और 10% से कम में ये स्कब में आता है। तो देखिए दोस्तों यहां पर ये फैक्ट है। अब जरा यहां पर देखिए, देखिए ये है उत्तराखंड के जिलों का क्रम, कहां पर कौन सी रिपोर्ट है, ये लिस्ट आपके सामने है। तो सबसे पहले तो यहां पर देखिए ऐसा प्रश्न यूके शशि आपको पूछ चुका है कि सर्वाधिक, ये देखिए सर्वाधिक वेरी डेंस फॉरेस्ट अति सघन वन वाला जो जनपद है वो कौन सा है। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात करते हैं तो यहां पर देखिए ध्यान से देखते जाइए दोस्तों, यह फैक्ट शायद अभी आपको एक कंफ्यूज लगेगा, कोई बात नहीं आपको मैं याद करवा के चलूंगा, बस ध्यान से सुनते जाइए। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली ये सभी हमारे जनपद है और वेरी डेंस फॉरेस्ट जो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा नंबर वन किसका है, नंबर वन है नैनीताल का। ऐसा प्रश्न बनता है, टॉप थ्री याद करने हैं, पहला है नैनीताल का, दूसरा स्थान आता है देहरादून का, दूसरा स्थान किसका है, देहरादून का, तीसरा स्थान देखिए, तीसरा स्थान है यहां पर उत्तरकाशी का। अगर आपने पुरानी रिपोर्ट पढ़ी है परीक्षावाणी में तो वहां पर उत्तरकाशी को ज्यादा बताया गया है, तो देखिए अब रिपोर्ट चेंज हो चुकी है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा है नैनीताल में, दूसरा स्थान है देहरादून में, तीसरा स्थान है उत्तरकाशी में। देखिए यहां पर यह नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप कर सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर सकते हैं तो याद करने की जरूरत भी नहीं है, केवल यह कर्म ध्यान रखना है कि पहला दूसरा तीसरा स्थान पर कौन सा है। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट अति सघन वन में पहले तीन राज्य है नैनीताल, फिर देहरादून और तीसरा है उत्तरकाशी, ठीक है। अब यहां पर देखिए अगर सबसे कम की बात करते हैं तो सबसे कम की बात करें तो जो 13वें नंबर पर हमारा जिला है वो है हरिद्वार का, दूसरा स्थान यहां पर आता है उधम सिंह नगर का यानी 12वें नंबर का, और लास्ट से यानी लास्ट का दूसरा, और यहीं पर बात करें तीसरे का तो यह है बागेश्वर का। तो देखिए दोस्तों सबसे कम सबसे ज्यादा आपने देख लिया है, तो यहां पर यह हो गया 11वें नंबर का, तो आपको यह देख लिया है ना। अगर याद नहीं हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, कोई बात नहीं, एक बार ऐसा देखे मैं आपको याद भी करवाऊंगा। तो देखिए दोस्तों वेरी डेंस फॉरेस्ट को याद करके चलना, यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मीडियम डेंस फॉरेस्ट शायद पूछा जाए आपको, लेकिन वेरी डेंस फॉरेस्ट आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और एक लास्ट याद करना जो टोटल फॉरेस्ट वाला है, मीडियम डेंस का डाटा आपके सामने यह है सबसे ज्यादा वाले, फिर सबसे कम वाले, और यहीं पर ओपन फॉरेस्ट का यह है यहां पर देखिए, और यहीं पर टोटल की बात करते हैं। देखिए दो चीजें आपको करवा रहा हूं, अब टोटल पे बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है वेरी डेंस फॉरेस्ट, इसे याद करके ही चलना है। टोटल फॉरेस्ट की बात करें तो इसे भी याद करके ही चलना है। तो यहां पर देखिए टोटल की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा वन कहां पर है, सबसे ज्यादा जो वन है यहां पर टोटल में ये आपको मिलेगा पौड़ी गढ़वाल में। सबसे ज्यादा वन कहां पर है, पौड़ी गढ़वाल में। दूसरा स्थान जो आपको मिलता है वो मिलता है नैनीताल में, कहां पर मिलता है, नैनीताल में। और तीसरा स्थान जो आपको मिलता है ये मिलता है उत्तरकाशी में। तो टॉप थ्री राज्य हो गए, टॉप थ्री यहां पर जनपद हो गए हैं, इन्हें याद कीजिएगा। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम उधम सिंह नगर यानी 13वां नंबर का, और यहीं पर बात करें दूसरे का तो हरिद्वार आएगा यहां पर देखिए यानी 12वें नंबर का, और यहीं पर तीसरे की बात करें तो ये आएगा रुद्रप्रयाग। तो मुझे मालूम है कंफ्यूज हो गया होगा, याद नहीं हुआ होगा, कोई बात नहीं, इसे इतना इंपॉर्टेंस भी मत दीजिएगा, क्योंकि आपको केवल कर्म याद करना है, नंबर याद नहीं करना है। नंबर आप टोटल याद कीजिए, बाकी और याद करने की जरूरत नहीं है। तो देखिये सबसे पहले तो बात करते हैं यहां पर, इस फैक्ट को आप देख लेंगे, कोई बात नहीं, कंफ्यूज हो रहा होगा, कोई बात नहीं, इस चीज को रहने दीजिए, जो अब आपको याद करवा रहा हूं वो यहां पर ध्यान से सुनिए और देखिए। देखिए दोस्तों अब याद करना है ये पॉइंट वाले, इन पॉइंट को मिस मत करना। देखिए अगर ऐसा पूछा जाता है कि वेरी डेंस फॉरेस्ट अति सघन वन सबसे ज्यादा कहां पर है, जो डाटा आपको पहले करवाया था यही डाटा यहां पर है, तो पहला स्थान नैनीताल का, दूसरा स्थान यहां पर देहरादून का, और तीसरा स्थान यहां पर उत्तरकाशी का। तो टॉप थ्री जनपद हो गए हैं एनडीयू। तो देखिए दोस्तों एनडीयू यहां पर ये हो गए हैं यानी अति सघन वन में टॉप राज्य, और यहीं पर बॉटम की बात करें तो सबसे कम हरिद्वार में, फिर उधम सिंह नगर में, और फिर बागेश्वर में। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट हो गया है। अगला देखिए, देखिए दोस्तों अगले की बात करते हैं, ये हो गया मीडियम डेंस की। तो टॉप थ्री टॉप बॉटम, सबसे ज्यादा है पौड़ी गढ़वाल में, फिर दूसरा स्थान नैनीताल का,
तीसरा स्थान उत्तरकाशी का। तो देखिए सबसे ज्यादा है पौड़ी, नैनीताल, उत्तरकाशी, और सबसे कम आप यहां पे देखोगे उधम सिंह नगर, फिर हरिद्वार और फिर रुद्रप्रयाग। तो मध्यम सघन वन भी ये हो गया है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये फॉरेस्ट कवर मीडियम डेंस फॉरेस्ट है, मध्यम सघन वन है, खुले वन की बात करते हैं तो खुले वन में भी पौड़ी है। देखिए खुले वन में भी पौड़ी है, मध्यम वन में भी पौड़ी है, लेकिन जो सघन वन है ना, सघन वन में जो पहला स्थान है वो नैनीताल का है। किसका है? नैनीताल का। तो बस ऐसे फैक्ट याद करके चलना है। तो यहां पर सबसे ज्यादा अगर बात करें पौड़ी में, फिर उत्तरकाशी, फिर टिहरी में, और सबसे कम की बात करें तो उधम सिंह नगर, फिर हरिद्वार, फिर चंपावत। तो फॉरेस्ट कवर ओपन फॉरेस्ट में भी आपने यहीं पर देखा, और मीडियम डेंस फॉरेस्ट में भी लगभग डाटा यहां पर सेम ही है जो हरिद्वार उधम सिंह नगर का है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए टोटल की बात करते हैं। देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, एक होता है वेरी डेंस फॉरेस्ट, एक होता है यहां पर टोटल, और एक होगा यहां पर जो परसेंट वाला। तो इन तीन को तो याद करके ही चलना पुलिस, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड के स्टूडेंट्स, अगर आपको और याद नहीं होता है। तो देखिए उत्तराखंड फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं, तो यहां पर आप देखोगे टोटल फॉरेस्ट कवर की बात करें पौड़ी में सबसे ज्यादा, नैनीताल दूसरा स्थान और उत्तरकाशी का तीसरा स्थान, सबसे कम उधम सिंह नगर, फिर हरिद्वार, और तीसरा स्थान आपको देखने को मिलेगा रुद्रप्रयाग का। तो यहां पर यह है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों यहां पर है टोटल फॉरेस्ट कवर प्रतिशतता के आधार पर। प्रतिशतता के आधार पर अगर आपको पूछा जाता है तो नैनीताल पहले स्थान पर, चंपावत दूसरे स्थान पर, पौड़ी गढ़वाल का तीसरे स्थान पर। तो प्रतिशतता के आधार पर कौन है? यहां पर नैनीताल है, दूसरा स्थान चंपावत का है, और तीसरा स्थान पौड़ी गढ़वाल का है। और प्रतिशतता के आधार पर सबसे कम उधम सिंह नगर, हरिद्वार और पिथौरागढ़। तो यहां पर यह बातें हो गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए स्क्रब की बात कर रहे हैं, तो देखिए स्क्रब में बात करें तो सबसे ज्यादा स्क्रब आपको कहां पे मिलेगा? टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, और सबसे कम ध्यान रखेगा चमोली, बागेश्वर। अगला यहां पर देखिए, देखिए दोस्तों इन फैक्ट को आपके लिए यहां पे बोला किया है, इसे याद कीजिएगा। देखिए 2019 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में जो ट्री कवर था वो 841 वर्ग किलोमीटर था, है ना, और अब कितना हो गया है? 1001 हो गया है। कितना हो गया है? 841 से बढ़कर 1001 हो गया है, और यानी वृद्धि कितनी हुई है? 160 के यहां पर क्या हुई है? वृद्धि हुई है। देखो दोस्तों मुझे मालूम है आपको यहां पर कोई भी फैक्ट यहां पे इतनी ज्यादा से जल्दी से याद नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी दोस्तों याद करना है। कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं और संभावना इनकी बनी रहती है। तो यहां पर देखिए अगर आपको ऐसा पूछा जाता है कि ट्री कवर उत्तराखंड का कितना है 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, तो वह है 1.87%। कितना है? 1.87%। टोटल कितना है किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में? 1001 किलोमीटर स्क्वायर। तो यहां पर यह फैक्ट है। देखिए दोस्तों ट्री कवर अलग होता है, अगर किसी को मालूम ना हो, ट्री कवर यानी वृक्षारोपण, वृक्षावरण, और यहां पर जो फॉरेस्ट कवर होता है उसे वनावरण कहते हैं। तो यहां पर देखिए वन तो जो वृक्ष होंगे वो वहां पर वनों में तो मिलेंगे ही, लेकिन जो वृक्ष है यहां पर शहर के बीचों में भी आपको मिल सकते हैं, या फिर बाग बगान में भी मिल सकते हैं, तो इन सभी को यहां पर काउंट किया जाता है। तो यहां पर जरा देखिए क्षेत्रफल की बात करते हैं, देखिए वनावरण की बात करते हैं, तो यहां पर देखिए 2021 की रिपोर्ट के अनुसार है, और यहां पर देखिए 24,305 तो यहां पर कुल था वृक्षारोपण, ठीक है, यानी फॉरेस्ट कवर। और ट्री कवर की बात करें तो ये है 1001, तो यानी टोटल कितना हो गया है? टोटल यहां पर हो गया है 25,306.13। तो टोटल यहां पर उत्तराखंड में जो फॉरेस्ट व वृक्षारोपण जो कवर है वो कितना है? 25,306। तो देखिए दोस्तों 25,306.13 क्या है यहां पर कुल फॉरेस्ट और वृक्ष जो वृक्षावरण है ये है यहां पर। अगर केवल वनावरण आपको पूछा जाता है, फॉरेस्ट कवर आपको पूछा जाता है, तो वह है 24,305, और टोटल पूछा जाता है कि उसमें अगर वृक्ष भी काउंट कर दें, ट्री कवर भी काउंट कर दें, तब आपको 1001 ऐड करना है इसमें, और तब हो जाएगा 25,305। प्रतिशतता के आधार पर अगर पूछा जाए, देखिए प्रतिशतता के आधार पर पूछा जाए 2021 के अनुसार, तो 45.44 क्या है? टोटल फॉरेस्ट कवर है यानी वनावरण है, और अभी आपने देखा था जो वृक्ष कवर था यानी वृक्षावरण था यानी ट्री कवर था वो कितना था? 1.87%। तो उत्तराखंड में जो कुल ट्री कवर प्लस फॉरेस्ट कवर है वो कितना है? 47.31%। कितना है? 47.31%। यकीन मानिए दोस्तों एक प्रश्न बनने की यहां पर ये संभावना है, और ये पुरानी रिपोर्ट के अनुसार डाटा आपके सामने है। देखिए अगर आपको यहां पे पूछा जाता है कि 2019 के अनुसार, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, तो 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भी आप यहां पे देख लीजिए,
देखिए, अगर 2019 की रिपोर्ट के अनुसार पूछा जाए ना, तो 45.44% है, और उस समय जो ट्री कवर था वो 1.57% था, और टोटल की बात करें तो 47.01% था। अब यहां पर कितना हो चुका है, 47.31% तो हो चुका है। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 24,303 यहां पर वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल था वहां पे फॉरेस्ट कवर का, और ट्री कवर की बात करें तो 841 था। तो देखिए दोस्तों, यहां पर ये फैक्ट थे, मुझे मालूम है शायद आपको यहां पे ये याद हुए होंगे या नहीं होंगे, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने हाथों से अपने हैंड रिटन में नोट्स बनाते हो, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट पॉइंट लिखते हो, इंपोर्टेंट पॉइंट वाला लास्ट वाला जो फैक्ट है ना, यही सबसे इंपोर्टेंट है। यकीन मानिए, सबसे इंपोर्टेंट फैक्ट यहां पर यही है जो लास्ट पेज आपको दिखाई दे रहा है, और जो आपको जो वेरी डेंस फॉरेस्ट बताया था, और टोटल वाला बताया था, और परसेंटेज वाला बताया था, और आगे के जो यहां पर 2-3 स्लाइड दी थी, वही सबसे इंपोर्टेंट है। नंबर याद करने की जरूरत नहीं है जो नंबर थे, क्योंकि इतना डीप आपको यूकेपीएससी नहीं पूछने वाला है, शायद ही रेयर केस में ही आपको पूछेगा। तो यहां पर दोस्तों इतना इफेक्ट है, आपको मिलेंगे नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। और हां दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको नई वीडियो में। धन्यवाद।